करना चाहूंगी। मेरा विनम्र निवेदन है कि थोड़ा सा हॉल में शांति बनाए रखें ताकि यहाँ पर वक्तक लोगों का मन विचलित ना हो, आप उनके अनमोल वचन को सुन सकें। थोड़ी सी शांति का सहयोग दें। मैं बुलाना चाहूंगी मिस काजल कुशवाहा जी को, जो नाव से हैं। आपका एक बहुत ही सुंदर गीत है मिस काजल कुशवाहा, ये उभरती हुई गायिका है। आपका एक एल्बम बहुत ही जल्द बुद्ध ने दिया संदेश रिलीज होने वाला है काजल कुशवाहा जी के लिए। जोरदार से तालियां बजाते। सर्वप्रथम सभी लोगों से नमो बुद्धाय। जैसा कि मैम ने बताया, मेरा नाम काजल कुशवाहा है। यहाँ पर उपस्थित सभी बहनें, माताएं, भाइयों और छोटे प्यारे बच्चों को स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं आप लोगों के सामने एक गीत गाने जा रही हूँ, जो बेटी पर है। आजकल बेटियों पर वैसे तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि बेटियों के साथ अच्छा हो रहा है, मतलब विस्तार हो रहा है, मतलब वृद्धि हो रही है, लेकिन फिर भी अभी भी कहीं कहीं ऐसा हो रहा है अन्याय हमारी माताएं बहनों के साथ, जो हम लोगों तक मतलब पता नहीं हम लोगों को ज्यादा, लेकिन फिर भी बहुत ही ऐसी जगहों पे बहुत हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी का गीत के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कैसे हो रहा है, बेटियों को उनको कोख में ही मार दिया जाता है कैसे, आप लोग सुनिएगा। ये गीत भोजपुरी में है, अगर जो कुछ ना समझ में आए या कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करें। केहू के शरीर जरे, केहू के करे जवा, ए भाई बंद कर लेप दूध है जवा। आजकल हमारी आज इतने समय हमारी बहनों और माताओं को दहेज की वजह से मार दिया जाता है, देखिए कैसे इस गीत के माध्यम से। जौने घड़ी पैदा हुए बिटिया बिचारी, बाप कर लगत है दहेज की तैयारी। जौने घड़ी पैदा हुए बिटिया बिचारी, बाप कर लगत है दहेज की तैयारी। अपनी गटई में फसरी लगावे, कहां
थैंक यू। बहुत ही मार्मिक गीत।